गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बच्चों, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दोहरे वाक्य आते हैं, इसलिए आज उनको बनाने के नियम सीखेंगे। नोट है, जिन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो काम पहले समाप्त हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो काम बाद में समाप्त हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एग्जांपल देखिए, तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। तो लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, ये काम पहले हुआ है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट में करके पहले लिखेंगे। तो द बॉयज विल हैव फिनिश्ड देयर मैच बिफोर यू अराइव। सूरज छिपने से पहले वे घर पहुंच चुके होंगे। तो बच्चों, दे के साथ में विल हैव आना है, तो दे विल हैव रीच्ड देयर होम्स बिफोर द सन सेट्स हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है ना, तो सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर में ऐसे रूस लग जाएगा सेट्स। पानी बरसने से पहले ही वह अजमेर से लौट आया होगा। तो वह अजमेर से लौट आया होगा, तो आप देखिए अजमेर का एक कैपिटल बनाएंगे और अजमेर की स्पेलिंग ए जे एम ई आर करेंगे। ही के साथ में बिल लिखेंगे, तो ही विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम अजमेर बिफोर इट रेन्स। इसमें रेन के साथ में कोई सब्जेक्ट नहीं, तो इट से बनेगा फुल स्टॉप। अब नंबर टू, नेगेटिव सेंटेंसेज। बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें नहीं का भाव आता है। जैसे लड़के मैच नहीं खेल चुके होंगे, पक्षी आकाश में नहीं उड़ चुके होंगे, इस प्रकार के आते हैं। तो इसमें विल ऑब्लिक सेल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर हैव लगाते हैं। तो रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग प्लस फुल स्टॉप। तुम गांव नहीं जा चुके होगे। अब सरल है, आई और बी के साथ में सेल आना है, बाकी सभी के साथ में बिल आना है। तो यू विल नॉट हैव गॉन टू द विलेज और फुल स्टॉप हो जाएगा। किसान अपने खेत नहीं जोत चुके होंगे, तो किसान है तो प्रियर नंबर थर्ड पर्सन का, तो बिल आएगा। द फार्मर्स विल नॉट हैव, अब प्लाउ की थर्ड फॉर्म पी एल ओ यू जी एच डी प्लाउड, और द फार्मर्स के अकॉर्डिंग, चूँकि फार्मर्स है, फार्मर्स थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग दे होता है सब्जेक्ट, और दे के अनुसार अपने की अंग्रेजी देयर होती है, इसलिए द फार्मर्स विल नॉट हैव प्लाउड, थर्ड फॉर्म आएगी पी एल ओ यू जी एच डी प्लाउड, और अभी मैंने अपने की अंग्रेजी बताई देयर, और फील्ड्स आ जाएगा। हम कल पतंग नहीं उड़ा चुके होंगे, तो हम के अनुसार सेल आना है, क्योंकि आई और बी के साथ सेल आना है। तो वी सेल नॉट हैव अ फ्लाई फ्लू फ्लोन एफ एल ओ डब्ल्यू एन, तो वी सेल नॉट हैव फ्लोन द
काइट और कल की बच्चों फ्यूचर टेंस में टुमारो आनी है तो टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्लू। अब बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में भी दोहरे वाक आते हैं, तो नोट देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दोहरे वाक्यों का नेगेटिव सेंटेंसेज बनाने का रूल, जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं और उसमें दोहरे वाक आते हैं जिसमें पहले शब्द आता है, तो रूल देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ध्यान रखिए एग्जाम्पल, तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो अब जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन आप फ्यूचर परफेक्ट में करके उसका नेगेटिव बना के पहले लिखेंगे, तो सी विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर बिफोर, अब यू गो गोज नहीं होगा वेंट नहीं होगा क्योंकि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, तो द चाइल्ड विल नॉट हैव डी आर यू एन के, अब ड्रंक नहीं कर देना डी आर आई एन के, ड्रंक ड्रैंक ड्रंक डी आर यू एन के ड्रंक मिल्क बिफोर ही, यानी उसके उसका सोना वह सिंगुलर नंबर में है तो ही स्लीप माने सोना तो ही स्लीप्स। पूरा ट्रांसलेशन देखिए, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। अगला देखिए, सूर्य अस्त होने से पहले आकाश में तारे नहीं चमक चुके होंगे, तो द स्टार्स विल नॉट हैव सोन एस एच ओ एनी साइन सोन 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 इन द स्काई बिफोर द सन सेट्स एस टी एस। तो बच्चों इसको ध्यान से समझना है, फिर एक बार सुन लीजिए, द स्टार्स विल नॉट हैव सोन इन द स्काई बिफोर द सन सेट्स फुल स्टॉप। सो डियर स्टूडेंट्स, लर्न दीज रूल्स एंड राइट इन योर क्लास वर्क कॉपी। थैंक यू।